चलो बनाते हैं टेस्टी से बैंगन का भरता मेरे स्टाइल से। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मैंने यहाँ पे ना तीन बैंगन ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना कट लगा दिया साइड्स में, तीनों पे कट लगाना है। और इसके अंदर आप चाहो तो गार्लिक भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, आप चाहो तो दोनों भी डाल सकते हो। जब आप इसको सेकोगे तो साथ में मिर्च भी, और जो अगर आप इसमें गार्लिक डालोगे तो गार्लिक भी साथ में कुक हो जाएगा, सो डोंट वरी। इसके अंदर आपको अच्छे से इसको कर लेना है सेट। सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है इसमें, तो उसे अच्छे से सर पे ग्रीस कर लेना है। और ग्रीस करने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट गैस पे ऐसे रख दिया है, तो इससे क्या होगा, जलेगा भी नहीं और इसका ना छिलका अपने आप उतरने लगेगा। इस बात की इंडिकेशन है कि आप बैंगन बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। आप चाहो तो गैस पे स्टैंड रख के उसके ऊपर भी इसको सेक सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही सेक लिया। फिर इसके ऊपर जितना भी ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जो इस सबको आपको उतार देना है, और जो अंदर का वो है बिल्कुल आपको क्लीन जो बैंगन है उनको निकाल लेना है। तो सब फटाफट से सारा ये ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट निकालना है, और जो इसके ऊपर का जो जहाँ से हम पकड़ते हैं इसको, और जिसका अपर पार्ट है उसको भी आपको रिमूव कर देना है। सिमिलरली तेल में तीन मैंने यहाँ पे टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उन्हें भी ढक के अच्छे से पका लेना है, जिससे क्या होगा उनकी ना स्किन सॉफ्ट होके खुद ब खुद ही उनकी स्किन निकल जाएगी। स्किन निकालने के बाद आपको इनको बैंगन के साथ मिक्स करके, और जो मिर्च मैंने इसमें अंदर डाली थी वो भी इसमें डाल के अच्छे से इनको मैश कर लेना है। ये इसमें अच्छे से मैश नहीं होते तो इसलिए मैंने इसे बड़े बाउल में डाला, उसमें फिर मैंने इसे अच्छे से मैश किया। मैश करना है आपको, मतलब ज़्यादा भी बिल्कुल आपको मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसना, नहीं तो बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा दरदरा सा रखना है जिससे बैंगन का और टमाटर का टेस्ट भी आए, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तड़का लगाने के लिए आप पहले थोड़ा सा तेल, उसमें जीरा, उसमें दो मीडियम साइज प्याज जिनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद उसमें डालना है ये जो भरता हमने जो बनाया है बैंगन का, अभी जिसमें तड़का नहीं लगा था वो वाला आपको इसमें डालना है। उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, तीनों को डाल के उन्हें भी अच्छे से कर लेना है मिक्स। पानी आप इसमें अपनी आप मर्जी से आप डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा थिक पसंद है तो रहने देना, अगर आपको हल्के से इसको थोड़ा थिन करना है तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसे कुक कर लिया, जिससे हल्दी और जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। इतना टेस्टी बना था, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।